सभी को जय श्री कृष्णा। महेश मुक्तम का क्रांतिकारी अभिनंदन वंदन अंतर्मन प्रणाम। जय माधव। जसरथ भाई यही रेजिमेंट हक हमारा और निशंदेह हक हमारा, आज न कल इसको कंधे तक लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का जो एक अशभ्य कृत्य हुआ उस पर यदु समाज के युवाओं ने जो एकता दिखाई है वो काबिले तारीफ है, और ये एकता हर स्तर पर बनी रहे, ये एकता हर तरीके से जागरूकता के साथ आगे बढ़े, तो ऐसे अशभ्यों को हर स्तर पर जवाब दिया जा सकता है। दरअसल दिक्कत ये आती है कि समाज में समाज तोड़ू बहुत ज़्यादा है और उनका काम है आग लगाना, और मैंने लिखा भी है कि माँ बहन बेटी को गाली देना, माँ बहन सबकी सम्मान्य है चाहे वो कोई भी हो, कौन सी इन्होंने अपनी महानता सिद्ध की है। तो ऐसे लोगों को जब तक जवाब नहीं दिया जा सकता, जब तक हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जुट के रहना पड़ेगा, एकजुटता के साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी हर जगह जहां गलत हो रहा है, और जो इसको अगुवाई करके उस गलत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसको जवाब ठोक बजा के देना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ऐसे दुर्दांत अशभ्यों पे लगाम लगाई जा सके, वरना आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। अभी उत्तर प्रदेश से उन भाइयों ने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है सभी ने, लालगंज से लखनऊ से उन्होंने बहुत तरीके से उनको मैसेज दिया है कि कुत्ते हैं भौंकते हैं और निकल जाते हैं। तो ये क्योंकि देखिए असभ्यता की प्रकाष्ठा जब कोई पार करेगा तो फिर सुदर्शन चक्र तो चलेगा, फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ तो उनको दिखाई जाएगी कि किस स्तर पर तुम लोगों ने इसको गंद मचाया हुआ है और उसके ऊपर लगाम हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो मुझे पूर्ण रूप से इस चीज़ का विश्वास है कि आज जिस तरीके से यदु समाज का युवा जागृति ले रहा है, जागरूकता ले रहा है, और वो हर स्तर पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो अडिगता के साथ एकजुट होकर आवाज़ को बुलंद कर रहा है, घर से निकल रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए इस कौम ने कभी भी, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं और कहते आए हैं और आज तक का इतिहास है, इस कौम ने कभी भी राष्ट्र विरोधी कोई काम नहीं किया है, और इस कौम ने हमेशा राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं। और जब इतना बलिदान, इतना स्वाभिमान और सम्मान देते हुए इस तरीके से ये कुकृत है, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं सत्ताएं, प्रशासन के बजाय मैं कहूँगा सत्ताएं हमारे साथ दुर्भाव की भावना से खेल खेलती आई है, किसी भी सम्मान को लेके आज तक नदारद रहे हो आप। और जिस तरीके से समाज तोड़ुओं ने एक बिगुल बजा दिया है आज हर स्तर पर, चाहे वो बिहार की बात करें तो कोई ना कोई एक दो ऐसे चूहे निकल निकल के बिल से आ जाते हैं, ऐसे भेड़ी आ जाते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, वाबाई के चक्कर में वो अनगर्ल बातें, गालियाँ, और ये समाज चुप बैठा रहता है। तो आज इस समाज को भी अपने तरीके से ठोक बजा के उसको जवाब देना आ गया है, और मैं पूर्ण रूप से इस चीज़ को पिछले 6 दिन से देख रहा हूँ कि हर स्तर पर जो युवा वर्ग अगुवाई कर रहा है, बुजुर्गों के जो अनुभव के साथ जो युवा वर्ग अगुवाई कर रहा है वो काबिले तारीफ है, और इसी तरीके से हर स्तर पर हमें इस एकता का परिचय देना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे अशभ्यों पर लगाम लगेगी जो भाईचारा खराब करते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का इस समाज में काम करते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक मत है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल हो और कहीं ना कहीं राजनीति की उसको भेंट चढ़ा के वो अपना मुनाफाखोरी में लग जाए। तो ऐसे दुर्दांतों को समय समय पर एकता के साथ जवाब देना आवश्यक है और ठोक बजा के देना भी चाहिए, चाहे वो कोई राज्य, किसी प्रांत की बात हो, किसी शहर की बात हो, और एकजुटता के साथ आप इसकी अगुवाई करें तो कहीं ना कहीं हम इस पर लगाम लगा सकते हैं। मैंने कैप्शन में उद्देश्य भी डाले हैं, मैंने कैप्शन में लक्ष्य भी डाले हैं, मैंने कैप्शन में पूरे तरीके से चीज़ों को समझाया है कि किस तरीके से, किन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला मुद्दा तो ये कि जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, और ऐसों पर लगाम पूर्ण रूप से लगनी आवश्यक है, हर स्तर पर इस लगाम को लगाए रखना आवश्यक है, ताकि और कोई इस तरह का दुर्दांत भेड़िया समाज को तोड़ने वाला, भाईचारे को खराब करने वाला ना निकले।
और इस पर जिस संगठन के थे उनको भी इस चीज का संज्ञान लेते हुए इन पे कार्यवाही करनी चाहिए। हालांकि मेरे पास एक पेपर लेटर आया था, आपके पास भी पहुंचा होगा, उन्होंने उस चीज के बारे में लिखा है, अगुवाई करी है, किंतु ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबे सुरों से इनकी एक चाल भी हो सकती है। तो ऐसी चालों को नाकाम करते हुए आपको आगे बढ़ना है और हर तरीके से एकता का परिचय देना है। देखिए, लोग ये बात कहेंगे कि गांधारी का श्राप है, उसका श्राप है, और ये कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन ये बात तो समझनी पड़ेगी, ये बात तो समझनी पड़ेगी कि वो बीते दौर की बातें हैं। आज समाज जाग रहा है, आज पढ़ा लिखा यादव वर्ग का युवा आगे बढ़ रहा है, और मैंने पीछे लिखा था जब ये आईएएस 25 आईएएस चयनित हुए थे कि जब तक पढ़ेगा नहीं यादव तो कैसे बढ़ेगा, यादव पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एजुकेशन की तरफ भी लेके जाना है, हमने आने वाली पीढ़ी को जागरूकता के साथ अपने इतिहास को भी बताना है। और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि ये जातिवाद है, जो लोग आपको इस चीज में बरगलाते हैं कि ये जातिवाद है, तो उस जातिवाद के तौर पर आप ये कही कि नहीं, मैं किसी दूसरे महापुरुष का अपमान नहीं करता, मैं किसी दूसरी जाति को गिराने की बात नहीं करता, मैं किसी दूसरे वर्ग को, किसी कौम को गलत कहने के लिए किसी भी तरीके से कोई मुहिम नहीं चलाता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यदु समाज के महापुरुषों को, उन पूर्वजों को, अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ, जागरूकता फैलाने का काम करता हूँ, और मैं कट्टर यादववादी हूँ, ना कि जातिवादी। और जातिवाद के तमगे जो देते हैं उनको ये सीधा जवाब दीजिए आप लोग, तो उस तरीके से इस बात को, मुहिम को आगे बढ़ाइए। और मैंने बार बार लिखा है कि यदु समाज सत्य सनातन धर्म का एक ऐसी कौम है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कृष्णम वंदे जगतगुरु, हम वो हैं जो सर्व पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, तो हम कैसे गलत तरीके से चीजों को ले सकते हैं। और इस कौम ने, शांति प्रिय कौम है, और अब मैं बात करता हूं, सीधे आता हूं, जो समाज तोड़ उठे उनको आप जवाब दीजिए, ठोक बजा के हर स्तर पर अपनी आवाज को उठाइए, और कोई आपकी आवाज को रोक नहीं सकता जब सत्य के साथ, स्वाभिमान के साथ इस आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो को शेयर करते चले। पुनः दोहरा देता हूं, मध्य प्रदेश जैसे कुकृत्यों पर लगाम लगाने के लिए एकजुटता की जरूरत है, ठोक बजाकर उनको जवाब दें, और पूरे तरीके से डंके की चोट पर बिना किसी से डरे ईंट का जवाब पत्थर से दें, तभी इन पर लगाम लगेगी, तभी ये भाईचारा और समाज का जो एकत्व भाव है वो जागृत रहेगा और वो बने रहेगा, क्योंकि स्वाभिमान और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर स्वाभिमान और सम्मान पे बात आती है तो विचलित होना जरूरी है, फिर कुछ भी हो फिर नहीं देखना। ये शांति सौहार्द बनाए रखने वाली कौम है, आगे भी बनाए रखेगी, और उसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करती रहेगी।